एवरीवन नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। आई नो गाइस, अभी भी आपके मन में ना बहुत सारी कंप्लेंट होगी कि दीदी प्लीज अभी भी मॉनसून सीजन चल रहा है, कुछ बालों के लिए बता दीजिए, कुछ फेस के लिए बता दीजिए। देखो मॉनसून अपना काम करता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम हमारे बालों की या तो स्किन की केयर करना छोड़ दें, राइट। आज मैं आपको मेरा सिंपल सा, मेरा खुद का सिंपल सा एक स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ एंड हेयर केयर, जो मॉनसून में मैं ज़्यादातर यू नो करती रहती हूँ, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम पर आप मॉनसून में ये सिंपल सा रूटीन कर सकते हो। अगर मैं स्किन के बारे में बताऊँ ना, तो मॉनसून में डलनेस बहुत ज़्यादा हमारी स्किन में इंस्टेंटली आ जाती है, क्योंकि पसीने के कारण और चिपचिप जो हमारी स्किन हो जाती है ना, तो ग्लो कहीं पर खो जाता है। तो सिंपल सा एक पैक बताऊंगी, साथ में मॉनसून में ह्यूमिडिटी के कारण ना बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो मेरा मोस्ट फेवरेट एक हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ का हेयर ऑयल बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन केयर करते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा इजी प्लस इफेक्टिव फेस पैक मैंने कभी ट्राई किया होगा, क्योंकि जब भी मुझे ऑयली स्किन लगती है, ग्रीसी स्किन लगती है ना, और टेक्सचर को इम्प्रूव करना हो ना, तो फट से मैं यही दो चीज़ें ले लेती हूँ। आपको करना क्या है कि एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। अब आप सबको पता है कि मुल्तानी मिट्टी कितनी बेनिफिशियल होती है हमारे स्किन के लिए। ये टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, ऑयलीनेस को कंट्रोल करती है, हमारे यू नो स्किन में जो बम्पीनेस हो जाती है, बम्स हो जाते हैं, उसको ट्रीट करती है। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, क्योंकि डिस्कलरेशन हम सबके चेहरे पर होता ही है, तो हल्दी डिस्कलरेशन को दूर करने के साथ साथ हमारी स्किन को इवन टोन प्रोवाइड करेगी। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ऐड करना है। अगर आपको दही सूट करता है तो आप दही भी ऐड कर सकते हो, या तो मिल्क भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मुझे मॉनसून में रोज वाटर काफी अच्छा लग रहा है। तीनों चीजों का पैक ना थोड़ा सा आप मीडियम रनी कंसिस्टेंसी का बनाना और अच्छे से आप पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। जो आपकी स्किन के ऊपर चिपचिपीनेस है या तो ऑयलीनेस है ना, वो मुल्तानी मिट्टी अच्छे से कंट्रोल कर लेगी। साथ में ये पोर्स को क्लीन करने का काम करती है, आपको एक इवन टोन प्रोवाइड करती है, स्किन को स्मूथ बनाने का काम करती है। जहाँ पर रोज वाटर है, हमारी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है, और हल्दी हमारी स्किन को जो दाग धब्बे होते हैं ना, पिगमेंटेशन होते हैं, उसको लाइटन करने में काफ़ी काम आती है। इस तरीके से आप ना हफ्ते में 2 से 3 बार ये सिंपल वाला पैक लगा सकते हो। अप्लाई करने के बाद जस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद जस्ट सिंपल पानी से आप आपका चेहरा धो लीजिए। आप देखना इंस्टेंटली आपको ना आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड डीपली क्लीन लगेगी। तो ये वाला पैक आप जरूर ट्राई करना। तो ये वाला जो पैक है ना, मेरा फेवरेट इसलिए कि इसको बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, इंग्रेडिएंट भी बहुत ही इजी वाले हैं, प्लस इफेक्टिव वाले हैं। सेम रिपीटेड सवाल मुझे एक नहीं बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या दीदी हमें मॉनसून में सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए या तो स्किप कर देना चाहिए। आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि इतना ज़्यादा सन हार्श नहीं होता है, या तो वेदर भी थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का होता है, क्योंकि क्लाउड ना जो यूवी रेस होती है ना, हार्श यूवी रेस, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। और हमारी स्किन में ना अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हो तो टेनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, एजिंग रिलेटेड इशू, बहुत सारी इशू स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जो सनस्क्रीन या तो आप बोल सकते हो कि सनगार्ड एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, ये है इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक अल्ट्रा रिपेयर सनगार्ड एलोवेरा जेल विथ लेमन एंड ऑरेंज फॉर अल्टीमेट रिफ्रेशिंग फील। ये आपकी स्किन को यूवी ए एंड यूवी बी रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ में इसके अंदर आपको SPF 22 मिलता है। सबसे पहले जस्ट यहाँ पर मैं नहा के आई हूँ और अभी मैं बाहर जाऊँगी ये जस्ट वीडियो कम्प्लीट करने के बाद, और अभी दोपहर के 1 बजे हैं, तो डॉट डॉट करके यहाँ पर मैं पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। जो रिवीलिंग एरिया है, जैसे कि आप नेक, हैंड्स, लेग्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो बेझिझक, ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। इट्स रिच इन विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, तो डार्क स्पॉट एंड सनटर्न को भी लाइटन करेगा, साथ में फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स एंड एक्ने को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सनगार्ड एलोवेरा जेल अच्छे से अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मेरी स्किन आपको वेल हाइड्रेटेड के साथ साथ मेरी स्किन अब यहाँ पर प्रोटेक्ट भी हो चुकी है। जस्ट एलोवेरा जेल नहीं है, ये सनगार्ड एलोवेरा जेल है, जो कि यूवी ए एंड यूवी बी रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। साथ में इसके अंदर SPF 22 भी है, जो हार्मफुल सन रेस से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका जो टेक्सचर है ना, वो अमेजिंग है, नॉन स्टिक की है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है। तो आप ना मॉनसून साथ साथ कोई भी सीजन में इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको डेली बेसिस पर यूज करती हूँ, नो चिप, तो आपको ना मॉनसून में यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। साथ में इट्स सो ऑर्गेनिक, सो सेफ है, 100% प्योर है, नॉन टॉक्सिक एलोवेरा जेल है। साथ में इसके अंदर हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी एड नहीं किए गए हैं, क्रुअल्टी से फ्री है, नॉन GMO है, USDA ऑर्गेनिक के साथ साथ इको सर्टिफाइड है। साथ में आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा।
और ये जो कूपन कोड है वो सिर्फ जो इंडस वैली की ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पर ही एप्लीकेबल है। ऑल्सो आप ये अमेजोन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक भी आपको मिल जाएगी। हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चम्मच कलौंजी के दाने लेने हैं। आप सबको पता है कि कलौंजी हमारे बालों के लिए एक वरदान रूप साबित होती है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, साथ में प्री मैच्योर ग्रे हेयर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर एक चम्मच मेथी दाने चाहिए। मेथी हमारे बालों में ग्रोथ को ऐड करने में, शाइन को ऐड करने में, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक गुड़हल का फूल चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस का जो फूल होता है वो हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर 3 से 4 पत्ते आपको हिबिस्कस के लेने हैं, क्योंकि फूल के अंदर जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है ना, साथ में पत्ते के अंदर भी उतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ये चारों चीज़ों को मैंने एक बॉल में इकट्ठा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डबल बॉयलर प्रोसेस की मदद से इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। डायरेक्टली हम ऑयल को गर्म नहीं करेंगे, अदरवाइज उसकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो जल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने पानी भरा है और उसके अंदर हम ये बोल को रख देंगे और उसके अंदर हम 1/2 कप जितना कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके 10-15 मिनट्स के लिए आपको इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। कोकोनट ऑयल जितना गर्म होगा उतनी ही ये मेथी, कलौंजी, हिबिस्कस की सारी अच्छी अच्छी गुडनेस कोकोनट ऑयल के अंदर आ जाएगी और आपका एक बहुत ही अमेजिंग हेयर ग्रोथ ऑयल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर गैस बंद करने के बाद इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और ठंडा हो जाने के बाद आपको इंस्टेंटली इसे यूज़ नहीं करना है। इसे ऐसे ही 3 से 4 दिन के लिए रखना है ताकि ये सारी चीज़ों का अर्क ये ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद स्ट्रेन करने के बाद हमें इसे यूज़ करना है। जो हमने यहाँ पर हिबिस्कस, मेथी, कलौंजी ये सारी चीज़ें यूज़ की ना, वो आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते ना, तो उसका सीधा कनेक्शन ये है कि आपकी स्कैल्प काफ़ी वीक है। तो स्कैल्प को ही हेल्दी करना सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपके बालों में पकड़ लाएगी, आपके बालों को घना करने में, हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और नए सिरे से आपके बालों को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ में वॉल्यूम भी इससे आपका बढ़ेगा। लगाने के बाद मैं इसको जस्ट 1 या 2 घंटे के लिए ही रखना प्रेफर करती हूँ। आप चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लीजिए। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे उतना ही आपको उतना रिजल्ट मिलता जाएगा। 1 या 2 बार में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पता है कि ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं होता है। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।